कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है और कितने लोग रोज सुबह एक सपना लेके उठते हैं उसकी गिनती करना वैसा ही है जैसे आसमान में तारे गिनना। मुंबई इतना फास्ट पेस्ड शहर है कि वहाँ नाम काम और पहचान बनाने के लिए आपको हमेशा जगते रहना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कब कोई काम आए और आप अपने सपनों में रह जाए। मुंबई आपको एक बार आने के बाद वहाँ से कहीं जाने नहीं देती, आपको सब देगी लेकिन उस सब के साथ कब आपको खुद में समेट लेगी किसी को नहीं पता। उसी शहर में कुछ सालों पहले बिहार से एक लड़का तारों की गिनती में सितारा बनने आया था, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह 21 जनवरी 1986 पटना में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। सुशांत अपने पांचों सिब्लिंग्स में से सबसे छोटे थे और उनकी फैमिली उन्हें गुलशन नाम से बुलाती थी। सुशांत पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल में पढ़ते थे लेकिन 2002 में उनकी मां की डेथ के बाद वो फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया, बट सुशांत वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोफिजिक्स और वो एस्ट्रोनॉट और उसके बाद एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। लेकिन बॉलीवुड में सुशांत का इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि वो SRK के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन फिर सुशांत ने अपने कॉलेज के टाइम से ही श्यामक दावर की डांस क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी थी। उसी के साथ उन्होंने बैरी जॉन के अंडर थिएटर क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी और तब उनका इंटरेस्ट इसमें इतना आया कि वो ये लाइफ टाइम करना चाहते थे। 2006 में सुशांत ने इंडस्ट्री में अपना पहला प्रोजेक्ट धूम 2 मूवी के गाने धूम अगेन में एज अ बैकग्राउंड डांसर किया। सेम ईयर उन्होंने कॉमनवेल्थ सेरेमनी में भी परफॉर्म किया। 2006 में उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और मुंबई शिफ्ट हो गए। वो वहाँ साइड जॉब्स करने लगे और फुल टाइम थिएटर भी। उसके 2 साल बाद उनकी किस्मत तब बदली जब उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए बालाजी टेलीफिल्म्स ने स्पॉट किया। उन्हें ऑडिशंस के लिए बुलाया गया और 2008 में उन्हें स्टार प्लस के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में सेकंड लीड का रोल मिला। उनके कैरेक्टर को जल्दी खत्म कर दिया गया था लेकिन यार सीरियल व्यूवर्स में उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए उनको वापस लाया गया। उनकी परफॉर्मेंस से सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि एकता कपूर भी काफी इम्प्रेस हुई। एकता ने 1 साल के अंदर ही उन्हें शो के सेकंड लीड से ZTV के शो पवित्र रिश्ता में मेन लीड बना दिया। पवित्र रिश्ता ZTV का सबसे हिट शो रहा है और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो भी। उसी शो के साथ सुशांत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी को भी लोगों ने इतना प्यार दिया कि सब उन्हें रियल लाइफ कपल तक मानने लग गए थे। और जब दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया तो सब ने उनको बहुत सारा प्यार दिया। नेशनल टेलीविजन पे तुमने अंकिता से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इज दैट ट्रू? पवित्र रिश्ता ने सुशांत के लिए सब कुछ बदल दिया था और उन्हें अब बॉलीवुड में एज अ बैकग्राउंड डांसर से ज्यादा करियर दिखने लगा था। फाइनली इन 2011 में मुकेश छाबरा ने सुशांत को स्पॉट किया और सुशांत को कायपो 6 मूवी के लिए ऑडिशन पे बुलाया। सुशांत अब फिल्म मेकिंग के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल करने वाले थे लेकिन उन्होंने स्टैनफोर्ड और पवित्र रिश्ता दोनों को ही छोड़ के कायपो 6 में रोल एक्सेप्ट कर लिया। सुशांत की पहली मूवी कायपो 6 राजकुमार राव और अमित साध के साथ थी जो 2013 में रिलीज हुई थी और मूवी कमर्शियली काफी सक्सेसफुल थी। कायपो 6 रिलीज होने से पहले ही राजकुमार हिरानी ने सुशांत को PK मूवी के लिए साइन कर लिया था। 2013 में ही सुशांत की यशराज फिल्म्स के साथ मूवी शुद्ध देसी रोमांस भी रिलीज हुई जो रिलीज के टाइम पे नहीं बल्कि काफी टाइम बाद हिट हुई। 2013 में सुशांत ने यशराज के साथ नेक्स्ट मूवी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की शुरुआत कर दी थी। उसी के साथ वो शेखर कपूर के साथ भी पानी मूवी कोलैबोरेशन करने वाले थे। पानी मूवी को बाद में यशराज फिल्म्स को प्रोड्यूस कर रही थी लेकिन आदित्य चोपड़ा और शेखर कपूर के क्रिएटिव डिफरेंसेस के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी मूवी के साथ YRF और सुशांत की 3 मूवी की डील भी अब खत्म हो गई थी। 2014 में आमिर खान के साथ उनकी मूवी PK रिलीज हुई विच बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म। 2014 में खबरें ये भी थी कि सुशांत और अंकिता ने फैमिली प्रेशर की वजह से ऑलरेडी शादी कर ली है जिस पे दोनों ने मना कर दिया। शादी राइट? आस्क हिम
यही पूछता है हमेशा ऐसे सवाल बाबू. दिसंबर फॉर श्योर. दिस दिसंबर. बस 2011 में एमएस धोनी के मैनेजर ने एमएस धोनी की बायोपिक अनाउंस की थी, लेकिन उसमें उन्होंने बीसीसीआई से काफी डिफिकल्टीज फेस की. लेकिन फिर फाइनली 2014 में अनाउंस हुआ कि एमएस धोनी की बायोपिक सुशांत को लेके बनाई जाएगी. इसके बाद सुशांत काफी न्यूज में तो रहे, उसी के साथ वो मूवी प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम तक हर जगह एमएस धोनी के साथ ही दिखे जाते थे. 2 अक्टूबर 2016 में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज हुई और उसी के साथ 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी वो बन गई. सुशांत को इस मूवी की वजह से काफी ब्रॉड रिकॉग्निशन मिला और वो काफी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुए. एमएस धोनी की रिलीज के टाइम सुशांत ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी उनके काफी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे राबता, धर्मा के साथ ड्राइव मूवी, तक दुम, चंदा मामा दूर के, जहां बॉलीवुड में सुशांत को काम, पहचान, सब कुछ मिल रहा था. वहीं उनकी एक पर्सनल लाइफ में उनकी एक गर्लफ्रेंड अंकिता भी थी. लेकिन 2016 में सुशांत ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप कर लिया. मुझसे कुछ कहा जाता है करने के लिए और मैं रीजंस ढूंढ लेता हूँ इतना प्यार करने का कि उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ. तो फिर अगर अपने रीजंस ढूंढूं तो कुछ भी कर सकता हूँ. 2017 में रिलीज हुई उनकी फिल्म राबता, उन्होंने पहले आलिया के अपोजिट साइन की थी, लेकिन जब आलिया ने मूवी छोड़ दी तो लीड एक्ट्रेस का रोल कृति सेनन को मिल गया. तो फिर आ गया. एक सेकंड, कैसे नहीं आता कल रात के बाद? आई डोंट बिलीव इन वन नाइट स्टैंड्स. राबता के बाद सुशांत और कृति ने टी सीरीज के लिए भी एक म्यूजिक वीडियो किया था. इवेंचुअली सब ने देखना स्टार्ट कर दिया कि सुशांत और कृति एक दूसरे के साथ काफी क्लोज थे, उन्हें साथ देखा जाता था, इवन एक दूसरे की फैमिलीज भी साथ मिलती थी. दे वर एलिजिडली सेट टू बी इन अ रिलेशनशिप जो दोनों ने कभी भी ऑफिशियल नहीं किया. 2017 में सुशांत के एक दो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, एक तो उन्होंने खुद ही क्विट कर दिया था. लेकिन 2017 में ही सुशांत ने प्रोड्यूसर एकता कपूर की केदारनाथ में काम करने का डिसीजन ले लिया. उसी साल मुकेश छाबड़ा ने भी सुशांत को अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए साइन कर लिया था. 2018 में उनकी मूवी केदारनाथ रिलीज हुई, जिसने काफी कॉन्ट्रोवर्सीज को अट्रैक्ट किया. मूवी उत्तराखंड के 13 में से 60 डिस्ट्रिक्ट में बैन भी कर दी थी. उसके बावजूद मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रही. एमएस धोनी मूवी के बाद सुशांत की मूवीज में से ये सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी. 2018 में सुशांत ने अपना बिजनेस डेब्यू इनासी वेंचर्स के साथ किया, जिसका मोटिव फिल्म्स, हेल्थ एजुकेशन, इंक्यूबेशन, वर्चुअल रियलिटी में एक्सप्लोर करना और रिसर्च करना था. 2019 में सुशांत की मूवीज सोन चिड़िया और छिछोरे रिलीज हुई, लेकिन सुशांत सिर्फ मूवीज के लिए ही नहीं बल्कि अपने नए अफेयर के लिए भी गॉसिप में आने लगे. रूमर ये था कि सुशांत लॉन्ग टर्म फ्रेंड रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे हैं. सुशांत और रिया 2013 में YRF के जिम में मिले थे, वो काफी टाइम तक दोस्त रहे और फिर रोहिणी अय्यर की पार्टी में वो फिर से मिले एंड विद इन अ वीक दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. रिया सुशांत के घर जाती थी, वो उनकी बहन और उनके हस्बैंड से भी मिली. 18-19 अप्रैल को रिया ने सुशांत के घर पे एक पार्टी प्लान की, जिसमें रिया ने सुशांत की बहन पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया, जिससे काफी बड़ी फाइट क्रिएट हुई और सुशांत ने अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी बहन से ही बातचीत बंद कर दी. सितंबर 2019 में सुशांत, रिया और रिया के भाई शोविक के साथ एक और बिजनेस वेंचर विविड रेज रियल्टिक्स के पार्टनर बने. सुशांत और रिया को जिम डेट्स और आउटिंग्स में काफी साथ देखा जाने लगा. बाहर से देखे जाने पे सबको यार ये सब कुछ ठीक और हैपनिंग सा लग रहा था, लेकिन सुशांत की जिंदगी में और उनके घर में क्या चल रहा था इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था. Until the day came. On 14th June 2020, Sushant Singh Rajput found dead, hanging from the ceiling fan in his home. लोग शॉक में थे, काफी लोग डिनाइल में थे, लोगों को इस न्यूज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था. एंड जस्ट देन सुशांत की डिस्टर्बिंग फोटोज वायरल और शेयर होने लगी. लोगों ने सुशांत की डेथ और कुछ ही दिन पहले हुई उनकी मैनेजर की डेथ एलिजिडली को रिलेट करके कंट्रोवर्सीज बनाना शुरू कर दिया. इट वाज आल्सो सेड कि सुशांत पे क्लिनिकल डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर के साइंस दिखे गए थे. उनकी डेथ से ज्यादा किसी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि सुशांत ने
किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया, संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट, सुशांत के फादर और उनकी सिस्टर्स ने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की और फिर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उनकी डेथ को क्लियर केस ऑफ बता दिया। लेकिन उनकी फैमिली ये मानने को तैयार नहीं थी कि सुशांत ने किया है। इसीलिए 25 जुलाई को उनके फादर ने पटना में रिया, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती एंड टू अदर्स, सैमुअल मिरांडा एंड श्रुति मोदी के खिलाफ FIR कंप्लेंट की। रिया चाहती थी कि पटना में हुई FIR मुंबई शिफ्ट हो जाए, जिसकी अपील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी की थी, लेकिन 31 जुलाई को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया ताकि वो सुशांत के बैंक अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। 7 अगस्त को ED ने लगभग 8 घंटे तक इंटेरोगेशन किया अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय रिया एंड हर फैमिली इन टू ऑफ सुशांत कंपनीज। ऑन अगस्त 19 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हिज केस टू CBI। मुंबई पुलिस सारे एविडेंसेस CBI को हैंडओवर कर चुकी थी। CBI ने घंटों तक रिया और उनकी फैमिली से क्वेश्चनिंग की और जब रिया और उनके भाई के ड्रग डीलर से लिंक चैट सामने आए तो CBI ने NCB को अलर्ट कर दिया। लोगों को लगने लगा कि ड्रग्स की तरफ केस शिफ्ट करके ये बॉलीवुड या गवर्नमेंट का प्लान है कि सबको सुशांत के केस से भटकाए। 9 सितंबर को रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा को डीलर से 10 से 12 बार नॉन कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा यानी मैरिजुआना लेने के लिए अरेस्ट किया गया और उन दोनों की स्टेटमेंट के बेसिस पे NCB ने सुशांत के कुक को भी अरेस्ट कर लिया। उसके बाद NCB ने 8 सितंबर को रिया को सुशांत के साथ ड्रग्स करने और उनके लिए पे करने के इल्जाम में अरेस्ट किया, जिस पे रिया ने कोर्ट में बोला कि वो इनोसेंट है और NCB जानबूझकर उन पे और उनकी फैमिली पे इल्जाम लगा रही है। रिया को लेके किसी के मन में कोई सिंपैथी नहीं थी। रिया की महेश भट्ट के साथ क्लोजनेस उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनी कि किसी को रिया की इनोसेंट होने पर भरोसा ही नहीं था। उसी के साथ रिया की उस टाइम की एक वीडियो भी सामने आई जहां वो हाय होके बोल रही है कि इंडस्ट्री हम नहीं, हमसे ऊपर वाले चला रहे। NCB ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत को भी समन किया और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। 3 अक्टूबर को एम्स मेडिकल बोर्ड ने बोला कि सुशांत की डेथ हैंगिंग की वजह से ही हुई थी, ना कि पॉइजनिंग और स्ट्रैंगलिंग की वजह से, जो इस केस में बोला जा रहा है। उसी महीने हाईकोर्ट ने NCB पे लगाए रिया पे सारे एलिगेशन को पॉइंट बाय पॉइंट कैंसिल कर दिया और रिया को बेल दी। इससे डेफिनेटली सुशांत को तो इंसाफ नहीं मिला, ना ये सच सामने आ पाया कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अगेन, ऐसा किसी भी बॉलीवुड स्टार के साथ यार पहली बार नहीं हुआ है। हर दिन सुशांत के केस में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन कभी भी सच सामने नहीं आ पाया। आज भी जस्टिस फॉर सुशांत लोगों के सोशल मीडिया पे चलता रहा है, क्योंकि सुशांत ने सुसाइड किया इस फैक्ट पे कोई भी एग्री करने को राजी नहीं है। और फिर वही बात है यार कि भले ही गले पे पड़े प्रेशर की वजह से वो गए हों, लेकिन उनके दिमाग पे जो प्रेशर पड़ रहा था उसे कोई नहीं देख पाया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो नीचे जो लाइक बटन है उसे दबा देना और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मैं ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।